Good morning, students. How are you? Fine. Okay. तो आज पढ़ेंगे बर्ड्स नेम. क्या पढ़ेंगे? बर्ड्स. आपकी बुक के पेज नंबर 8 पर दिया गया है. देखिए कि आपकी बुक का पिक्चर हो इसके एट में. ईवीएस जो बुक है उसके पेज नंबर 8 पर. इसमें आपको बर्ड्स नेम और बर्ड्स के बच्चों के नाम दिए गए हैं. ठीक है, तो मैं आपको पहले 10 बर्ड्स नेम करवा देती हूँ. आपके 10 बर्ड्स नेम हो गए हैं. कौन कौन से? पिजन, आउल, स्पैरो, टीन, ईगल, डक. अच्छा, तो ये हो गए. ये है आपके बर्ड्स नेम. क्या पढ़ाई मैं आज आपको? बर्ड्स नेम. तो इससे पहले आप ये देख लीजिए कल हमने क्या पढ़ा था. कल क्या पढ़ा था हमने? कल हमने पढ़ा था वाइल्ड एनिमल्स नेम. वाइल्ड एनिमल्स नेम कौन से होते हैं बताइए? जो एनिमल्स जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, उन्हें हम वाइल्ड एनिमल्स नेम कहते हैं. उन्हें कौन से एनिमल्स कहते हैं? वाइल्ड. और जो जानवर पाले जाते हैं पालतू होते हैं उन्हें कौन से कहते हैं? डोमेस्टिक एनिमल या पेट. जैसे कुत्ता, गाय, भैंस, बकरी, ये सब क्या है? डोमेस्टिक. डोमेस्टिक मीन्स पेट एनिमल्स, पालतू जानवर. और जो लायन, जेब्रा, डियर, एलिफेंट, पैंडा, ये सब क्या है? वाइल्ड एनिमल्स. क्यों? क्योंकि ये लोग पाले नहीं जा सकते हैं, इनको पाल नहीं सकते हैं, ये जंगल में रहते हैं. कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं. तो कौन कौन से पढ़े थे हमने आपके बुक में? थे उनके वाइल्ड एनिमल्स, उनके नाम, उनके बच्चों के नाम. तुमने पढ़ा था लायन, कब, पुमा, कब, जेब्रा, हिप्पोपोटामस,
क्या आपके वाइल्ड एनिमल्स और उनके बेबीज के नाम थे? कौन कौन से थे वाइल्ड एनिमल्स? लोयन, पुमा, जेब्रा, डियर, एलिफेंट, कंगारू, हाइना, हिप्पोपोटामस एंड गोरिल्ला। ये आपकी वाइल्ड एनिमल्स थे, इनके बच्चे थे। लोयन, लोयन के बाप लोग बोलते हैं बच्चे को कब, क्या बोलते हैं कब। फिर पुमा, पुमा के बच्चे को कब, जो जेब्रा का बेबी होता है उसको कॉल, डियर के बेबी को बोलते हैं फॉन, एलिफेंट के बेबी को बोलते हैं कॉल, कंगारू के बेबी को बोलते हैं जोय, पैंडा के बेबी को बोलते हैं कब, गोरिल्ला के बेबी को बोलते हैं इन्फेंट, और जो हिप्पोपोटामस है उसके बच्चे को बोलते हैं कॉल। ये मैंने जो प्रीवियस वीडियो था, जो पिछला वीडियो था उसमें आपको बताया था, आप सबने लर्न किया या लर्न। मैंने आपको लर्न करने के लिए, रीड करने के लिए कहा था, आपको लर्न करने हैं क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके एग्जाम में क्लियर तब आपका ये पूछ जाएगा और आप लर्न करेंगे तभी लिख पाएंगे, नहीं तो आप लिख नहीं पाएंगे, फिर आप फेल हो जाएंगे। इसलिए आपको लर्न करना है, लर्न करेंगे और अच्छे नंबर आएंगे आपको, आप सुनाएंगे ना मैडम को तो अच्छे नंबर आएंगे आपके। नहीं सुनाएंगे तो कहाँ से आएंगे बताइए आप। इसलिए आपको डेली का वर्क डेली लर्न करना है। आज हम क्या पढ़ेंगे? बर्ड्स नेम। क्या पढ़ेंगे? बर्ड्स नेम। बर्ड्स किस होते हैं? पक्षी जो आसमान में उड़ते रहते हैं उन्हें बोलते हैं बर्ड्स नेम। क्या बोलते हैं? बर्ड्स नेम। तो देखिए आप बर्ड्स नेम में कौन कौन से लर्न करना है? पी ए डबल आर ओ टी पैरट। पी ए डबल आर ओ टी पैरट। पैरट में होता है तोता, तोताराम, तोताराम स्पैरो, एस पी ए डबल आर ओ डब्ल्यू
स्पैरो। स्पैरो को बच्चे बोलते टिक टिक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चिल। इसके बाद में डक, डक के बच्चे को क्या बोलते हैं? डकलिंग। क्या बोलते हैं? डकलिंग। डक के बच्चे को बोलते हैं डकलिंग। ईगल को बच्चे को, ईगल के बच्चे को बोलते हैं ईगलेट। ईगलेट क्या बोलते हैं? ईगलेट। आउल, आउल के बच्चे को बोलते हैं आउलेट। क्या बोलते हैं? आउलेट। इसके बाद में गूस, जी डबल ओ एस सी, गूस। गूस के बच्चे को बोलते हैं गूसलिंग। गूसलिंग क्या बोलते हैं? गूसलिंग। इसके बाद में शिगल, सिगल। सिगल के बच्चे को भी चिल। इसके बाद में बबलर, बबलर। बबलर के बच्चे को बोलते हैं चिल। देखिए जो आपके बुक में दिए गए हैं वो है पिजन, पिजन के बच्चे स्क्वायर। पैरट, पैरट के बच्चे को बोलते हैं चिक। स्पैरो, स्पैरो के बच्चे को भी चिक। डक, डक के बच्चे को डकलिंग। ईगल के बच्चे को ईगलेट। आउल के बच्चे को आउलेट। गूस के बच्चे को गूसलिंग। बबलर के बच्चे को चिक। एंड सीगल के बच्चे को भी क्या बोलेंगे? चिक। तो ये क्या है? बर्ड्स एंड उनके बेबीज के नेम। क्या पढ़ा आज हमने? बर्ड्स एंड उनके बेबीज के नेम। इधर देखिए आप एक बार पीछे, आपको जो लर्न करने हैं टेन बर्ड्स ने वो बता देती हूँ। पी ए डबल आर ओ टी पैरट, पी ए डबल आर ओ टी पैरट, पी आई जी ई ओ एन पिजन, पी आई जी ई ओ एन पिजन, डी यू सी के डक, डी यू सी के डक, एच ई एन हैन, एच ई एन साथ बाय।